हाय, मुझे आप सबकी याद काफ़ी टाइम से आ रही थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग पोस्ट किया जाए। इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ अपनी स्किन को और हिमाचल के टेढ़े मेढ़े रास्तों को देखती हुई अपने अधियोगी पापा के साथ शॉपिंग करने। गाड़ी हम जैसी पार्किंग में लगाने के लिए गए तो इन अंकल ने मुझे ऐसे घूरा कि मुझे कैमरा ही वहाँ से हटाना पड़ा। गाड़ी पार्क करके अब हम जा रहे हैं उस शोरूम में जहाँ से मैं ड्रेसेस खरीदूँगी, और ये रहा वो शोरूम। इस शोरूम में मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत ही ज़्यादा बदल गया। मुझे नीचे से ही देखने में लगा था, बट यहाँ पर आई तो सच में बहुत ज़्यादा बदल गया है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है, पहले छोटा हुआ करता था बट अब देखिए, वाओ, मुझे बहुत पसंद आया। आज तो मैं यहाँ से एक दो कपड़े लेकर ही जाऊँगी। यहाँ के लहंगे बहुत ज़्यादा प्रीटी होते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक लहंगा ही लिया जाए। अब मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है चूज़ करने का, तो देखते हैं मुझे कितने लहंगों बाद एक पसंद आएगा। 8-9 ड्रेसेस खुलवाने के बाद मुझे ये लहंगा पसंद आया, बहुत ज़्यादा ही प्यारा था ये। बट इसमें थोड़ी सी फ़िटिंग करवाने की ज़रूरत है जो मैं फ़िटिंग करवा लूँगी, बट ये बहुत प्यारा लगा, ये तो मैं पक्का ही लूँगी। और दूसरा लहंगा जो मैंने ट्राई किया ये इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे ये लेने का मन बिल्कुल भी नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा हैवी था। एक लहंगे के बाद अब टाइम आ गया है मेरी सेकंड ड्रेस को चूज़ करने का, जो कि मुझे लेने का मन तो था स्टॉक वाली, बट मुझे लगा मैं बहुत अच्छी लगूंगी, पर ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर में कपड़े टांग दिए होंगे। मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, इसलिए मैं इतना खुश होकर दिखा रही थी कैमरे में, बट जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत ही बेकार लग रही थी मैं। ये स्टॉक में भी मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाकर कपड़े देखे जाएं, बट यहाँ पर मेरा ही पोपट हो गया, यहाँ पे सारी शेरवानी थी तो मैं क्या ही अपने लिए देखती। एक लहंगा बहुत दूर तक मुझे पिंक कलर का दिख तो रहा था, बट वो भी बच्चों वाला था। हाफ एन आवर बाद मुझे एक ड्रेस पसंद आई जो कि धोती वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। मैंने जब तक इसको ट्राई किया तब तक मेरे हाथ में दूसरी ड्रेस थमा दी गई, बट ये ड्रेस इतनी प्यारी थी कि इसको पहन के मैं नाचने लगी। ये ड्रेस भी अच्छी है बट मैं इसको ले नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ये कलर पहले से है। ये वाली ड्रेस तो मैं पक्का ख़रीदूँगी, ये बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है। और दूसरी वाली एक और मैंने देखी, ये तो उससे भी ज़्यादा प्रिटी है, तो ये भी मैं लूँगी। फ़िलहाल तो हमको ऐसे जाना होगा क्योंकि 3:27 हो गए हैं और अभी हमने कुछ नहीं खाया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि वो तीनों ड्रेसेस को फिट करने में एक दिन पूरा लगेगा। इतना ढूंढने से अच्छा मैं अपनी फेवरेट दुकान में ही चली गई जहाँ के मोमोज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले तो हमने यहाँ पर एक सूप मंगवाया जो कि बहुत यमी था, उसके बाद एक डोसा मंगवाया, फिर एक प्लेट मोमोज मंगवाए और एक पेप्सी मंगवाई। इतना कुछ खाने के बाद भी मेरे पेट में जगह थी मक्की खाने की, मैंने इन भैया से एक मक्की ली और उसके बाद हम चले गए अपने घर। नेक्स्ट डे मैं नहा धो के अपनी रेडबुल लेकर और अपने एक लेस का पैकेट लेकर चल पड़ी वही ड्रेसेस लेने जो कि मैंने वहाँ पे फिटिंग के लिए दी थी। जो मैंने 3 ड्रेसेस ली हैं उनमें से एक ड्रेस तो ये है जो कल मैंने बिना फिट हुए पहनी थी, तो ये तो कल ही इतनी प्यारी लग रही थी, आज पहनने के बाद तो उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और सेकेंड मैंने ये लहंगा लिया, एंड थर्ड ये ड्रेस, बहुत ज़्यादा प्रीटी है ना। ये तीनों ड्रेसेस मुझे सिर्फ 12,000 में मिली, इनका फिटिंग करवा के रेट 12,500 तक जा रहा था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ आपको तीनों में से कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।